हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बॉटनी फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एग्जाम आईसीएमआर जीआरएफ के बारे में, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें भी जीआरएफ या रिसर्च फेलोशिप मिलती है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट मिलता है जो सीएसआईआर जीआरएफ के थ्रू मिलता है टू परस्यू योर पीएचडी और रिसर्च इन द वेरियस फील्ड ऑफ द लाइफ साइंसेज। पर ईयर 150 फेलोशिप ये देते हैं, हालांकि लाइफ साइंसेज में ओनली 120, बचे हुए 30 जो देते हैं वो सोशल साइंसेज में देते हैं। साइंस, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बॉटनी बैकग्राउंड, सो वी आर कंसर्न्ड विद दीस शीट्स मेनली। जो लाइफ साइंसेज में दी जाती हैं शीट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये इस तरह का जीआरएफ शीट्स हैं जो आप कहीं भी पीएचडी या रिसर्च परस्यू करेंगे तो आईसीएमआर फेलोशिप देगा। ये कैटेगरी वन है या मेन कैटेगरी की फेलोशिप है। इसके अलावा कुछ और शीट्स भी होते हैं, अराउंड 100 शीट्स कैटेगरी टू में, जिनमें आईसीएमआर तभी फेलोशिप देता है जब वो आपको अपने अंडर जो है रिसर्च कराएगा या कोई प्रोजेक्ट देगा। ICMR funded institute में, ICMR affiliated institutes में जब आप research करते हैं तो जो है some amount is also given to pursue that research। तो category one जो है वो best है कहीं भी research करने के लिए, not only in the ICMR institutes। ICMR मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ICMR के different institutes हैं। Otherwise you can also pursue your PhD in the other universities as well and the ICMR will give the fellowship। category two में केवल ICMR के institutes में ही आप जो है fellowship ले पाएंगे। तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है आईसीएमआर जीआरएफ एग्जाम के नाम से हम जानते हैं। सो रिसेंटली इसके फॉर्म आउट हुए हैं। आप गूगल पे आईसीएमआर जीआरएफ डालेंगे तो सबसे ऊपर जो लिंक आता है main.icmr.nic.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मास्टर्स जो कर रहे हैं एमएससी लाइफ साइंसेज, यानी लाइफ साइंसेज के फील्ड के कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एमएससी जूलॉजी कर रहे हो, एमएससी बॉटनी हो, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी सेल बायो, बायोटेक या कोई भी फील्ड जो सारे लाइफ साइंस में आते हैं, सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो फायदा होता है जूलॉजी वालों को ज्यादा होता है, या जो कंसर्न्ड ब्रांचेस हैं जिनमें मेडिकल ज्यादा आता है, ठीक है, जैसे इम्यूनोलॉजी वगैरह जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। बट ओवरऑल जो सिलेबस है वो कॉमन ही है, जैसा कि सीएसआईआर नेट का है, तो मैक्सिमम सिलेबस तो कॉमन ही है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो परस्यू कर चुके हैं अपनी एमएससी को, पास आउट हो चुके हैं, ऑफकोर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर अपने डीन या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अटेस्ट कराकर एक डॉक्यूमेंट को, इनका एक फॉर्म है आरए का फॉर्म, उसको अपलोड करके इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन लिंक फॉर द आईसीएमआर जीआरएफ एग्जाम, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे लिंक को, इट विल डायरेक्ट यू टू द अनदर वेबसाइट या आपको एक और वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, लाइक स्टार्टिंग डेट जो है वो 1st of July, दैट इज टूडे, एंड लास्ट डेट जो है वो 31st July है। डेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी एक महीना दिया हुआ है तो यू कैन इजीली रजिस्टर जब भी आपको मन हो, 1 से 2 दिन में 5 दिन में आप जरूर जो है यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन रजिस्टर करके उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, और एक नॉर्मल ऑनलाइन फॉर्म जिस तरह से हम फिल करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका जो है पिक वगैरह, वो हम यहाँ पर फिल कर पाएंगे। करेक्शन के लिए, फोटो वगैरह के लिए तो विंडो ओपन हो सकता है, बट जनरली आप यही मानकर चलें कि अगर विंडो ओपन नहीं भी होते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करके फिल करें। लास्ट डेट जो है वो 31st July रहेगी। तो प्रॉस्पेक्टस पर यहाँ हम क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस का फील्ड का जो भी एमएससी स्टूडेंट है, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी सम डिटेल्स। देखिए फी की बात करूं तो जनरल के लिए 1500 फीस है, एससी एसटी के लिए 1200 है, ओबीसी के लिए भी 1500 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड फीस। उसके अलावा क्वालिफिकेशन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एमएससी लाइफ साइंसेज के फील्ड के कोई भी स्टूडेंट्स, एमए सोशल साइंसेज के लिए है, उसके बारे में एलिजिबिलिटी आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। मैं लाइफ साइंस का बात कर रहा हूँ केवल 120 शीट्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स जिनकी 31st December 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी आरए कैटेगरी में भी, रिजल्ट अवेटेड में, दे कैन अप्लाई। में जो इस साल एमएससी कर पाएंगे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 28 इयर्स है, ठीक है, 30th of September 2021 तक आप 28 के हैं अगर तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस जो रहता है वही सीएसआईआर नेट वाला ही सिलेबस है, जो लाइफ साइंसेज फील्ड का जो आएगा, क्योंकि दो पोर्शन होते हैं इसमें, तो वो सारा लाइफ साइंसेज के लिए जो सिलेबस है वो वही है जो सीएसआईआर नेट का है। हालांकि डोमिनेंसी मैंने बताया कहीं ना कहीं जूलॉजी की रहती है, इम्यूनोलॉजी की रहती है, मेडिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट ऐसा नहीं है, बॉटनी भी पूछी जाती है जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री।
ओके सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एक तो ऑनलाइन है, सीबीटी जो है होगा 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है 12th of this September। इफ सिचुएशंस विल बी नॉर्मल, मे गॉड कीप द सिचुएशन नॉर्मल, कोई वेव वगैरह नहीं आती है, तो जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड डेट वही होगा 12th of September को। शिफ्ट भी इन्होंने एक ही रखी है, 21 सिटीज के अंदर सेंटर है। ऑब्जेक्टिव टाइप है मीडियम ओनली इंग्लिश रहेगा। पेपर जो होता है उसके अंदर दो सिंगल सिटिंग में है, 2 आवर का, 2 सेक्शन होते हैं। लाइफ साइंसेज वाले का बेसिकली मैं बता रहा हूँ, एक सेक्शन ए दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन, सभी कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है कि आप 50 में से 20 करें, 25 करें, 30 करें, सभी आपने करने हैं, यानी 50x1 50 मार्क्स का पार्ट ए है। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई भी 75 करने हैं, यानी वहां चॉइस है, सारे कंपलसरी नहीं है। पार्ट वन में सारे कंपलसरी थे, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस। पार्ट बी में 100 में से कोई भी 75 करने हैं, 1 मार्क्स ईच, यानी पार्ट बी जो है वो 75 का है, तो 50 + 75। देखिए पार्ट बी लाइफ साइंस है, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो लाइफ साइंस नहीं देना आपको, फिर सोशल साइंस का देना है 75 क्वेश्चन। तो लाइफ साइंस में 50 + 75 A+B, टोटल 125 मार्क्स का पेपर रहेगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए, 125 का, 50 पार्ट ए में, बी में 75। पार्ट ए में क्या आता है, पार्ट ए में जनरल साइंस, जनरल नॉलेज अबाउट द साइंस, सम स्टैटिक्स, मैथ, रीजनिंग और साइंटिफिक फिनोमेना इन द एवरीडे लाइफ। केवल बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी, जनरल साइंस कुछ भी आ सकती है, ठीक है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लैंग्वेज के भी। तो ये जो होता है स्ट्रिक्टली बायोलॉजी से नहीं आते, हालांकि इसमें भी डोमिनेंसी तो बायोलॉजी की कहीं ना कहीं होती है कि वैक्सीन पूछ लिए या डिस्कवरी भी ऐसे पूछते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। तो ये है जनरल पैटर्न पार्ट ए। पार्ट बी में कोर लाइफ साइंस ही आता है, यानी CSIR नेट वाला जो सिलेबस है या जो UGC से रिकमेंडेड सिलेबस है वही आता है, सेल बायो, मॉल बायो, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड ऑल दैट, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सो दीज काइंड ऑफ द टॉपिक्स आर आस्क्ड इन द पार्ट बी। पहले सेपरेट कट ऑफ होती थी बट अब सेपरेट नहीं है, ए प्लस बी में मिलकर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 125 का 55% तो आपको लेना ही लेना है। 55% अगर आप जनरल में हैं तो आपको लेना ही लेना है 55%, अगर आपके 54% नंबर भी आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं है। सिमिलरली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इनके लिए 50% मिनिमम है, कम से कम इतना लेना पड़ेगा तभी क्वालिफाइंग है, और इससे ऊपर फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग 120 शीट्स जो टॉपर होंगे उनको लेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55 और 50 है, पर मिलाकर ए प्लस बी बार दोनों मिलाकर, चाहे आप ए में कम स्कोर करके बी में ज्यादा कर लीजिए, ओवरऑल अगर आपका 55 से ऊपर है तो पेपर जो है आपका क्वालिफाई माना जाएगा। पहले सेपरेट कट ऑफ होती थी, इस बार कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है, दोनों में मिलाकर आपको एग्जाम लेने हैं। पैटर्न मैंने बता दिया, लाइफ साइंस में जो है वही क्वेश्चन आते हैं, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, जियोलॉजी, बॉटनी, सोशल साइंस का हमें नहीं देखना। रिजल्ट आंसर की वगैरह विद इन 7 डेज आ जाते हैं, रिजल्ट नहीं आंसर की, रिजल्ट जो होता है वो विद इन 1 मंथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किसी सिंपल फॉर्म को जैसे आप फिल करते हैं, बेसिकली स्टेप्स देख के प्रोस्पेक्टस में आप फिल कर सकते हैं। कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, यू शुड गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस। फेलोशिप का अमाउंट 31,000 है, इंक्रीज भी किया जाता है, कुछ HRA वगैरह होते हैं, SRF करते हैं तो और इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ आपका और डिटेल्स है जो प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द ICMR GRF एग्जाम। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।